ये चीज के वीडियो बना अब पैर रखने को जगह नहीं मिल रहा है यहाँ से ना आप आगे सीधा जाओगे और सीधी रहो। हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नायक और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं करने वाला हूं दीमापुर को एक्सप्लोर। जी हाँ दोस्तों, दीमापुर एक नागालैंड का कॉमर्शियल हब है और यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रीट्स, बहुत सारा मार्केट है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है, आप लोग चुरे रहिए, मिलते हैं। खाली है जाएगा ना, चलिए फोटो आ रहा है ना। हाँ वीडियो आ रहा है, वीडियो ये YouTube में आएगा। कौन सा YouTube बोलेंगे तो आ जाएगा इसके YouTube, अभी मैंने डाला नहीं है, डालेगा तो आएगा। ये पूरा लेते जाएगा ना। हाँ पूरा दीमापुर, पूरा दीमापुर घूमेंगे आज। ठीक है चलो। तो दोस्तों मैं अभी ऑटो में बैठ गया और अभी हम जा रहे हैं गोभी नाला, जहाँ से हमारा दीमापुर का टूर शुरुआत होने वाला है। तो दोस्तों हम पहुंच गया धोबी नाला और हमारा दीमापुर का जो टूर है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो फिलहाल मैं अभी इस गली के अंदर से जा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारा सब्जी वाला आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको सब्जी वब्जी कुछ भी लेना हो तो आप यहाँ आके ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स भी मिल जाएगा आपको। ये देखिए यहाँ पे ना लोकल्स, नॉन लोकल्स सब इकट्ठा बैठ के अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। मैं और अंदर जाके देखा था आप लोग को, केला है, पपीता है, नारियल है और यहाँ पे आपको चिकन भी मिल जाएगा। ये देखिए फिलहाल मैं थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये ट्राई फिश, ये रॉ फ्रूट्स, ये देखिए आपको ये सब मिलेगा यहाँ पे खाने का चीज़, नमकीन वगैरह सब मिलेगा यहाँ पे आपको। ये झाड़ू देखिए, ये लोकल क्राफ्ट्स। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, वापस पीछे जाता हूँ यहाँ पे और मतलब ऐसा ही देखने को मिलेगा आगे भी आपको। तो मैं कुछ नया दिखाता हूँ आप लोगों को। मिर्ची, कितने लोग आया हुआ है यहाँ पे शॉपिंग के लिए। ये पूरा सेकेंड हैंड कपड़े है, यहाँ पे सस्ता में मिलेगा आपको। अगर आपको अंडे वंडे लेना है तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये मटन भी मिलेगा आपको यहाँ पे। चलो हम वापस जाते हैं। आज बहुत पब्लिक आया हुआ है, अब पैर रखने को जगह नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मेन मार्केट एरिया के यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है मेन मार्केट। आपको मैं हांगकांग मार्केट भी दिखाता हूँ। अरे 50 वाला ले ना, देखिएगा ये है।
तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है अपना हॉन्गकॉन्ग मार्केट, तो मैं अंदर जा रहा हूँ अभी और दिखाता हूँ अंदर का क्या सीन है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे खड़ी वगैरह सब मिल जाएगा यहाँ पे आपको। ये देखिए, आपको चूते वगैरह भी मिलेगा यहाँ पे। 400 400 400 400 400। और मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आप लोग को, कुछ इस तरह है यहाँ पे, आप आगे ले सकते हो यहाँ पे, मतलब सस्ते में मिल जाएगा, मतलब सामान जो है ना। तो दोस्तों अभी हम आ गया इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन के यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे पूरा आपको इलेक्ट्रॉनिक का दुकान मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए, तो उस तरफ जाते हैं तो यहाँ भी देखिए आपको फुल वुल भी मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए, वैसे ये मार्केट ना बहुत बड़ा है, जितना भी आप घूम लो ना ख़त्म ही नहीं होता। तो दोस्तों अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं सीधी तौर के यहाँ जाता हूँ और वहाँ का जो उस तरफ की जो मार्केट है ना वो दिखाता हूँ, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे तो आपको बस यही देखने को मिलेगा और कुछ है नहीं दिखाने के लिए, तो अभी हम जाते हैं सीधी तौर के यहाँ पर। फिलहाल दोस्तों मैं अभी हूँ दिमापुर का जो ISPT है ना, वैसे ISPT नहीं है लेकिन ISPT जैसा ही समझ लो आप। यहाँ पे ना बहुत सारा बस और गाड़ियाँ मिल जाएगा जो आपको कहीं भी अगर आपको जाना हो ना, तो यहाँ से आप टैक्सीज और बस वगैरह पकड़ के आप जा सकती हो। ये देखिए, नागालैंड के अंदर ही आपको और दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाना हो तो वो भी मिल जाएगा यहाँ पे। टैक्सी सब मिलेगा यहाँ पे। ये सारा टैक्सीज है, ये देखिए सोमोज मिलेगा आपको और बहुत सारा मतलब प्राइवेट टैक्सीज वगैरह मिल जाएगा आपको यहाँ से। मतलब ये जो है ना, ये मेन ट्रांसपोर्ट हब है दिमापुर का, तो अगर आपको कहीं भी जाना हो तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से आपको गाड़ियाँ मिल जाएगा। और ये जो है ना, ये हॉन्गकॉन्ग मार्केट के पास ही पड़ता है, रेल गेट से ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों अभी हम हॉन्गकॉन्ग मार्केट से बाहर आ गया और अभी हम जा रहे हैं सीधी तौर के यहाँ पे। सीधी तौर जो है वो मेन दिमापुर का मेन सेंटर है, तो वहाँ बहुत सारा आपको ब्रांडेड स्टोर्स वगैरह देखने को मिलेगा, तो मैं अभी उधर ही लेके जा रहा हूँ आपको। अगर आपको कपड़ा वगैरह सिलाई करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये देखिए, बहुत सारा टेलर्स का दुकान मिलेगा यहाँ पे आपको। फिलहाल हम जा रहे हैं सीधी तौर के यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा दूर है, चल के जाना पड़ेगा, 5-10 मिनट लग जाएगा, तो कोई नहीं, तब तक आप ये मार्केट देख लीजिए। रोड छोटा होने की वजह से ना बहुत क्राउडेड हो जाता है, आधा रास्ता तो यही ले लिया। मतलब यहाँ से ना आप आगे सीधा जाओगे तो धोबी नाला मिलेगा। ये देखिए, वहाँ पे एलन स्टोली का स्टोर दिख रहा है, यहाँ से मेट्रो का जूते मिलेगा यहाँ पे, और ये बूमा का स्टोर है, और वो रहा बुबलर बेकरी, और बाजू में ली का स्टोर।
हाँ यहाँ पे ना बहुत सारा आपको ब्रांडेड स्टोर्स मिलेगा। ये देखिए लिवाइस, और वहाँ पे नागालैंड कॉफी शॉप दिख रहा है मेरे को। चलो दोस्तों हम आ गया सीधी दौड़ के यहाँ पे, और सीधी दौड़ मैं वहाँ बाजू में जाके देखा था आप लोगों को। और ये रहा ब्लैकबेरीज का स्टोर, यूएस पोलो। और यहाँ पे ना आपको बहुत सारा गाड़ी का एक्सेसरीज मिलेगा। ये देखिए ये पूरा एक्सेसरीज का दुकान है। ये देखिए ये देखिए ये पूरा जो लाइन है ना, ये पूरा एक्सेसरीज का दुकान है। और ये रहा अपना स्मार्ट बाजार। और दोस्तों हम पहुंच गया सीढ़ी दौड़ के यहाँ पे। तो ये रहा तो सीढ़ी दौड़ कुछ इस तरह है। ये मेन सिटी सेंटर है दिमागुल का। रात को ना बहुत ही सुंदर हो जाता है ये इलाका जो है। और बाजू में KFC का आउटलेट भी, KFC पिज़्ज़ा हट। तो दोस्तों ये था दिमागुल का टूर। और भी है अंदर जाके, मैं और भी देखा सकता था लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो रहा है मेरे को अभी, क्योंकि थक गया यार बहुत घूम लिया। तो बस इस वीडियो में इतना है। बहुत जल्दी मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए यू गाइस स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।